स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमेडिक गैंग्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख करके क्लिक किया, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बरहज शहर के कुछ अनोखे प्लेसेस और कुछ फैक्ट जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होता है दोस्तों चकरा ढाले से। चकरा ढाले का नाम आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूँ, एक ऐसा ढाला है जहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर के साथ ही गेटमैन आता है ढाला बंद करने के लिए, और इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं। बात करें अगले नंबर की तो देवराहा बाबा, जो कि चकरा ढाला से कुछ ही दूरी पर है, आप आसानी से जा सकते हैं। हम भी लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ का भी वीडियो बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो भी देख सकते हैं। बात करें बरहज शहर की तो सबसे अनोखी बात यहाँ की ये है दोस्तों कि यहाँ का साक्षरता दर जो है 75.37 है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता दर क्या है। बात करें अगले लोकेशन की तो बरहज घाट दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस है, आप यहाँ पर जा सकते हैं स्नान करने के लिए और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब यहाँ पे आप यहाँ पर आएंगे। तो मैं भी यहाँ पर गया हुआ था और यहाँ का वीडियो भी बनाया हूँ, तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वो भी ज़रूर अच्छा लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही हम लोग वीडियो बना रहे थे तब तक बारिश शुरू हो गई और हमें रुकना पड़ा, तो देखिए ये क्या हुआ। और यहाँ पे मैं बरहज बाज़ार का वीडियो बना रहा था तो रास्ते में अचानक से बारिश होने लगा, जिसके वजह से मैं अभी यहाँ पे छिपा हुआ हूँ। और ये बरहज बाज़ार का वीडियो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। और जितना भी वीडियो को मैंने जगह दिखाया है उन सारे वीडियो को मैंने खुद ही बनाया हुआ है और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप पीछे देखिए कितना बारिश हो रहा है और इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसके साथ ही बात करें अगले नंबर की दोस्तों तो आता है बरहज का रेलवे स्टेशन, जो कि अपने आप में ही एक अनोखा तथ्य है, जिसका की स्थापना सन 1876 में हुआ था और अंग्रेजों के समय से ये काफ़ी फेमस है। और इस स्टेशन के बारे में अधिक जानना है तो हमारे वीडियो को देखिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और बात करें बरहज का सबसे अधिक फेमस क्यों है तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने नारा दिया था सर फिरोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, तो उनका समाधि स्थल में बरहज में ही है, जिसके चलते इसको काफ़ी लोग जानते हैं, तो उसका भी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करें बरहज शहर की तो सरयू नदी के किनारे बसे होने के कारण अंग्रेजों के समय से ही ये शहर काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा, और यहाँ पे नदी का किनारा था तो कृषि भी काफ़ी होती थी और यहाँ से अनाज सब्जी और लकड़ी सारा जाता था गोरखपुर तथा अन्य बाज़ारों में, तो काफ़ी बड़ा केंद्र था ये। कुछ राजनेताओं के चलते ये बरहज थोड़ा पीछे रह गया, पर अभी भी बरहज में काफ़ी प्रगति हो रहा है। और आप बरहज आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा, वो पुराने ज़माने की हवेली आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो पुराने ज़माने के मकान घर सब मिलेगा, तो एक अपना सा फील होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बरहज का बहुत सारा वीडियो सभी को देखिए। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। We'll be right back.